तत्काल न्यूज़ लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। साथियों, देश के किसानों के कल्याण की दिशा में, कृषि सुधारों की दिशा में कल देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक पारित किए गए हैं। आप मुझे बताइए कि क्या कोई बिल आज तक आपने देखा, इतने दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं, अगर विपक्ष का कोई एक सदस्य भी वोटिंग मांगे, डिवीजन मांगे, तो क्या कभी चेयर ने बगैर डिवीजन, बगैर वोटिंग के कोई बिल पास कर दिया क्या? बिल तो छोड़िए, कोई संशोधन पास कर दिया क्या? आज तक कभी आपने ऐसा सुना है? आज का दिन हिंदुस्तान के लोकतंत्र के और संसद के इतिहास का सबसे बड़ा काला दिन है। इन विधेयकों ने हमारे अन्नदाता किसानों को अनेक बंधनों से मुक्ति दिलाई है। आजादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आजादी देने का काम हुआ है। सरकार कह रही है किसान के फायदे में है, किसान के हक में है, क्रांतिकारी कदम है, और ये देश में अमूमन होता नहीं है। मतलब एक कॉमन सेंस की बात है कि मैं कहूं ये आपके भले की बात है तो आप तो गले लगाएंगे, मुझे स्वागत करेंगे कि अच्छा मेरे लिए आप ये कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे धन्यवाद देंगे। किसान कह रहे हैं भैया हमें नहीं चाहिए ये, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, खास हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भी अब इसकी आग दिख रही है, इस आंदोलन की। किसानों को होने वाली एक एक परेशानी को समझते हुए, एक एक दिक्कत को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने निरंतर प्रयास किया है। किसान का इतना भला करना चाहते हो मेरे भाई, ये जो तीन अध्यादेश आपने किए हैं, क्या पिछले 20 साल में किसी एक भी किसान संगठन ने इसकी मांग की है आपसे? क्या आपने किसी एक भी किसान संगठन की राय ली? क्यों है कि इस देश के तमाम संगठन, किसान संगठन, यहाँ तक कि आरएसएस के द्वारा समर्थित भारतीय किसान संघ भी इसके विरोध में क्यों है? अकाली दल इसके विरोध में क्यों है? हकीकत यह है कि ये किसानों के लिए आजादी नहीं, किसानों की गुलामी है। जो लोग दशकों तक देश में शासन करते रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, देश पर राज किया है, वो लोग किसानों को इस विषय पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों से झूठ बोल रहे हैं। आपके सहयोगी दल अकाली दल ने इसका विरोध किया। आप जिस आपकी मातृ संस्था आरएसएस, उसका स्वदेशी जागरण मंच, आप उसको नहीं समझा पाए, उन्होंने विरोध किया इसका कि ये बिल किसान विरोधी है, ये बिल किसानों के लिए काला कानून है। किसानों का ये कहना है, किसान नेताओं का ये कहना है कि आपने एमएसपी कभी नहीं हटेगी, ऐसा तो कहीं किसी कानून में या लिखित में नहीं लिखा है, ये तो मुंह जबानी बोला जा रहा है। दूसरी चीज, जो प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे उनके लिए वो नियम नहीं है जो कि सरकारी मंडियों पर हैं। तो क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी कि धीरे 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 करके प्राइवेट वाले और मजबूत होते चले जाएंगे और ये जो सरकारी मंडियां हैं धीरे धीरे कमजोर होती चली जाएंगी और इनका वही हाल होगा जो हर सरकारी कंपनी का होता है। आज बीएसएनएल बिग बर्बाद हो गई, सारे प्राइवेट प्लेयर्स उसमें हावी हो गए। आज कोई बीएसएनएल का फोन ना फोन खरीदता है ना उनका नेटवर्क इस्तेमाल करता है। तो आज धीरे धीरे करके रेल का निजीकरण, सेल का निजीकरण, कोल का निजीकरण, पीपीसीएल का निजीकरण, बैंकिंग सेक्टर का निजीकरण, इंश्योरेंस सेक्टर का निजीकरण, जो मुनाफे की कंपनियां, महारत्ना कंपनियां, उनको आप बेचने पे तुले हुए हैं, देश को बेचने पे आप लगे हुए हैं, और आज आपने किसानों को भी बेच दिया। मैं देश भर के किसानों को इन विधेयकों के पारित होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आखिरी बात मैं यही कहना चाहता हूं, इस देश के इतिहास में जब ये तीन कानून लिखे जाएंगे तो इन्हें क्या याद किया जाएगा? पहले को कहा जाएगा जमाखोरी कालाबाजारी अनुमति कानून, दूसरे को कहा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट खेती वाला बंधुआ किसान कानून, और तीसरा जो एपीएमसी बाईपास करने वाला है इसको कहा जाएगा मंडी तोड़ो एमएसपी छोड़ो कानून। और इसलिए इस देश का किसान इसके खिलाफ खड़ा है और खड़ा रहेगा।
सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने का ये एक के बाद एक अनेक उदाहरण सामने आ रहे थे। लेकिन ये लोग ये भूल रहे हैं कि देश का किसान कितना जागृत है। वो ये देख रहा है कि कुछ लोगों को किसानों को मिल रहे नए अवसर उनको पसंद नहीं आ रहे हैं। पहली बात तो आप याद कीजिए इनका इतिहास। ये किसी भी चीज को बहुत पैकेज के साथ लेके आते हैं, बड़ा सुनहरा सपना दिखाते हैं। जीएसटी लेके आए तो आधी रात में आजादी देने लगे, वन नेशन वन टैक्स। आज राज्यों का शेयर नहीं दे पा रहे हैं, बढ़ाकर देने की बात कहते थे। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही नौजवानों को, 12 करोड़ रोजगार छीन लिया, बेरोजगार बना दिया 12 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में। इन्होंने कहा कि इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी को 15 लाख मिल जाएगा। ना काला धन आया ना 15 लाख मिला। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, मोदी कहाँ है तेरा 56 इंच, कैसा है तू, तू रेजिग्नेशन दे दे, तू हट जा। ठीक है, ये सरासर झूठ है, गलत है, किसानों के साथ धोखा है।